तो राजस्थान ऐसा राज्य है, भारत का राजस्थान ऐसा राज्य है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, ये हल्का सा वो मतलब कह सकते हैं कि लाइट रेड है, मैं आप देख रहे हैं राजस्थान है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा राज्य है ये, और इसकी सबसे ज्यादा सीमा क्या है, पाकिस्तान से लग रही है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से सबसे अधिक है, सबसे अधिक लगती है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा की लंबाई पाकिस्तान से लगती है, भारत के किस राज्य की, किस राज्य की सीमा की सबसे अधिक लंबाई पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, राजस्थान होगा, ठीक है, इसका मतलब सुरक्षा के दृष्टि से राजस्थान भी, राजस्थान को भी हमें देखना होगा, क्योंकि राजस्थान क्या है, पाकिस्तान से सटा हुआ है और उसकी बहुत ज्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान से, इसीलिए राजस्थान में उसकी, हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर क्या होता है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, मतलब सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो सीमा सुरक्षा बल कहाँ है, राजस्थान के पूरी पूरी सीमा जो पाकिस्तान से लग रही है वहां पर पूरी सीमा सुरक्षा बल हमारी तैनात है हमारे देश की रक्षा करने के लिए, जिससे घुसपैठ ना होने पाए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे देश के पंजाब राज्य की सीमा भी पाकिस्तान से लग रही है, और क्या है इसका मतलब, यहाँ पर भी सीमा सुरक्षा बल तैनात होगा, किसकी क्या करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी क्या है, जम्मू कश्मीर के भी बहुत बड़े भाग की सीमा पाकिस्तान से लग रही है, और हमारा जो है ये कह सकते हैं कि जो हमारा, हम जिसको कहते हैं गुलाम कश्मीर, जिसे हम कहते हैं गुलाम कश्मीर, और वो लोग पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, और गुलाम कश्मीर का दूसरा नाम क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं पीओके, पीओके मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। और मैंने ये भी बताया आपको, अक्साई चीन जो है वो पाकिस्तान ने पहले भारत से हथियार लिया था 1947 में आक्रमण करके, बाद में उसको अपनी मित्रता, अपने मित्र देश चीन को दे दिया, इसलिए अक्साई चीन सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी सेना वहां, भारतीय सेना तैनात है अक्साई चीन के कारण कारगिल में, इसलिए कारगिल का युद्ध भी हुआ था 1999 में जब अटल जी की सरकार थी। और मैं आ जाता हूं राजस्थान के बारे में बता रहा था, कि यहां पर मैंने आपको बताया पंजाब की सीमा कितने कितने राज्यों से लगती है, तो पंजाब की सीमा किससे लग रही है, एक तो जम्मू कश्मीर से लग रही है, दूसरा किससे लग रही है, हिमाचल प्रदेश से लग रही है, तीसरा किससे लग रही है, हरियाणा से लग रही है, और चौथा किससे लग रही है, राजस्थान से लग रही है। कितने राज्य हो गए, एक हो गया और ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, राज्य के नाम क्या हुए, जम्मू कश्मीर जे, और क्या हुआ, देख लो फार्मूला बना लेते हैं, क्या लिखेंगे, पंजाब से लगने वाले राज्यों की नाम, पंजाब से सटे राज्यों के नाम। तो आप फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, पहले क्या हुआ, जे हुआ, जे के बाद क्या है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है, यच है, जे यच, उसके बाद क्या है, हरियाणा है, पंजाब की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप देख रहे हैं हरियाणा है, और हरियाणा के बाद हरियाणा भी यच से ही होगा, तो चाहे राजस्थान कर लो, आ कर लो, और फिर हरियाणा कर लो, यच कर लो, तो क्या हुआ फार्मूला, जे एच आर एच, तो ऐसे आप याद कर लो, पंजाब के लिए पी फॉर जे एच आर एच, मतलब पी फॉर जे एच आर एच, इसका मतलब क्या हुआ, पंजाब के लिए जे एच आर एच, पी फॉर जे एच आर एच, जैसे बच्चे याद करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप ऐसे याद करो, वो क्या करते हैं बच्चे याद करते हैं, पी फॉर पेन, आप याद करो पी फॉर जे एच आर एच, पी फॉर मतलब पंजाब, पी फॉर मतलब पंजाब, पंजाब मतलब क्या हुआ, जे एच आर एच, जे फॉर जम्मू कश्मीर, यच फॉर हिमाचल प्रदेश, आर फॉर राजस्थान, एंड यच फॉर हरियाणा। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से मैंने आपको बताया था, यहां हिमाचल प्रदेश के लिए आपने याद करके नोट कर लिया होगा,
हिमाचल प्रदेश के लिए फार्मूला, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए फार्मूला क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश क्या है? एक जे हो गया, पहला जम्मू कश्मीर की राज्य की सीमा मिल रही है, उसके बाद किसकी मिल रही है? पंजाब की मिल रही, पी हो गया, किसके लिए हम बता रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, यच था, यच था, तो जेपी, जेपी जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा, जेपी यच, जेपी यच एंड यू, जेपी यच यू, या इसको जे पुछ कर सकते हैं आप, जे पुछ, यच फार जे पुछ, यच फार जे पुछ। देखो ऐसा है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आपको क्या करना है, आपको ये क्या है स्टैटिक जीके जो है बहुत ही वाइड एरिया है और यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं और एग्जाम में आपको इतना प्रेशर होता है आप हड़बड़ी में गलत कर देंगे, तो आप कुछ फार्मूले बना लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए क्या फार्मूला बताएं बनाएंगे, यस फार हिमाचल प्रदेश के लिए जे पुछ, जे पुछ मतलब क्या होगा, जे पुछ, जे पुछ, जे पुछ का मतलब क्या, जम्मू कश्मीर, ठीक है, या हिमाचल यक्ष है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के लिए एचपी कह सकते हो, हार्स पावर से एचपी ना, हार्स पावर क्या होता है, हार्स पावर होता है मोटर होता है ना, हार्स पावर, तो हार्स पावर याद कर लो, हिमाचल प्रदेश के लिए हार्स पावर याद कर लो यार, मोटर हार्स पावर का होता है, तो हार्स पावर से क्या होगा, हार्स पावर के लिए हुआ जेपी एच यू, जे पुछ हो गया, जे पुछ क्या हुआ, जम्मू कश्मीर पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तराखंड और हरियाणा, जे पुछ हो गया। उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए क्या बताया था, किसके लिए, पंजाब, पी फॉर, पी फॉर पंजाब के लिए क्या बताया था, जे एच आर एच, पंजाब के लिए मैंने बताया था, पंजाब के लिए मैंने बताया था कि पी फॉर क्या, जे एच आर एच, पी फॉर जे एच आर एच। तो मैंने देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत से नेशनल पार्क है, मैंने आपको बताया कौन सा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, कृष्ट नेशनल पार्क, कृष्ट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और भी नेशनल पार्क मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे जैसे याद आएगा चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। फिर हम आ जाते हैं उत्तराखंड में आ जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में है क्या है, इट इज वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड में, क्या है, फूलों की घाटी, कई बार प्रश्न आया कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो आप बोल सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, या अंग्रेजी में दे सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे, कहेंगे वैली वाप या मतलब वैली, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है, तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है, उत्तराखंड क्या है, पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर उत्तरकाशी है और गंगा नदी का उद्गम भी होता है, भागीरथी नदियां और अलकनंदा नदी सब इत्यादि नदियां वहां से क्या होती हैं, निकलती है, उद्गम स्थल है, और गंगा जी का वहां पर देखिए देहरादून में क्या होता है, देहरादून में कुंभ का मेला लगता है, नहीं कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, देखिए इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, सॉरी देखिए कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है लेकिन उत्तराखंड में है, कुंभ का मेला जो होते हैं महाकुंभ जो होता है अर्धकुंभ जो होता है 12 वर्ष में लगता है, तो कुंभ मेला समझ लो कितने कुंभ मेले हुए, चार जगह पे भारत में कुंभ आया, तो मैं बता दूं आपको कुंभ मेला जो है भारत में चार जगह पर लगता है, कहां कहां लगता है, कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है गंगा यमुना के संगम पर जिसको कहते हैं देवप्रयाग, सॉरी देवप्रयाग नहीं प्रयाग, प्रयाग महाकुंभ, तो प्रयाग स्टेशन भी इलाहाबाद में, प्रयाग स्टेशन है और उसी के नाम पर, पहले इलाहाबाद का नाम क्या था, प्राचीन नाम इलाहाबाद का क्या था, प्रयाग था, इलाहाबाद का प्राचीन नाम ऐतिहासिक नाम क्या है, प्राचीन इतिहास प्रयाग है, लेकिन अकबर बादशाह, अकबर मुगल बादशाह ने प्रयाग का नाम बदलकर दीन इलाही के नाम पर क्या किया, इलाहाबाद रख दिया, तब से प्रयाग का नाम इलाहाबाद कहा जाता है। पूछ सकते हैं कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम किस मुगल बादशाह ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया, तो आपको उत्तर क्या होगा, अकबर बादशाह ने किस कारण, किस धर्म पर,
उन्होंने एक विशेष धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म के नाम पर उन्होंने इलाही इलाही के नाम पर उन्होंने इलाहाबाद रख दिया। और आपको मैं बताऊं कि इलाहाबाद में ही लोकसेवा आयोग स्थित है। उत्तर प्रदेश का लोकसेवा आयोग कहाँ है स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और इलाहाबाद में ही जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट की क्या है, पूर्ण पीठ है। हाई कोर्ट की जो पूर्ण पीठ है इलाहाबाद में ही है। और इलाहाबाद की खंडपीठ कहाँ है, जो उसकी एक शाखा ब्रांच है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। लेकिन इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट, मेन हाई कोर्ट जो बोल सकते हैं, आपकी जो बेस ब्रांच है, जिसको कह सकते हैं हेड ब्रांच है या पूर्ण पीठ है, वो कहां पर है, कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ कहां स्थित है, तो लोग जल्दबाजी में लखनऊ कर सकते हैं। लखनऊ क्या खंडपीठ है उसकी, ये और मेन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, और तो मैं यहां बता रहा था उत्तराखंड की, यहां के मुख्यमंत्री कौन है, यहां पर भाजपा की सरकार है, कौन है मुख्यमंत्री? त्रिवेंद्र रावत, त्रिवेंद्र रावत है। और यहाँ के त्रिवेंद्र रावत हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर मार्च 2017 में नई सरकार का गठन हुआ, यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत तब से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगले चुनाव कब होंगे अब उत्तराखंड में? 2017 में अगर सरकार गठन हुआ है तो 2017 मार्च में 5 साल जोड़ दीजिए तो हो गया मार्च 2022। तो अगले विधानसभा का जो गठन होगा उत्तराखंड में कब होगा? मार्च 2022 में होगा। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी मार्च 2022 में ही क्या होगा, नई सरकार का गठन होगा, नए चुनाव संपन्न कराए, अगले जो नए चुनाव विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे वो मार्च 2022 में कराए जाएंगे। और भारत की जितनी भी स्कीमें, ज्यादातर स्कीमों का लक्ष्य जो है 2022 ही रखा गया है, 2022 ही। जैसे भारत सरकार ने किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य क्या रखा है 2022 तक? पूछ सकते हैं कि भारत ने किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य क्या रखा है, वो पूछ लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? भारत ने किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो आप क्या उत्तर में लिखेंगे? आप लिखेंगे 2022। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता मिशन, जो भारत स्वच्छ मिशन है, भारत स्वच्छ मिशन आपने पढ़ा होगा, चश्मा होता है ना, स्वच्छ भारत मिशन का लोगो क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का लोगो जो है एक कदम स्वच्छता की ओर, आपने देखा ऐसे ऐनक बना रहता है, ऐसे बना रहता है ना ऐनक, तो ऐनक क्या है, किसका सिंबल है? एक कदम स्वच्छता की ओर। पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि पूछ सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन का वो क्या कह सकते हैं कि उसको कूट वाक्य क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का कूट वाक्य क्या है? एक कदम भारत की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम विश्व की ओर, कि एक कदम अंतरिक्ष की ओर। पूछ सकते नहीं पूछ सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का कूट वाक्य क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन का कूट वाक्य है एक कदम स्वच्छता की ओर। और इसमें ऐसे चश्मे बने होते हैं, और मैं आपको बता दूं ये कब शुरू हुआ था, इसकी घोषणा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को इसकी घोषणा की गई, कब, इसकी, स्वच्छ भारत मिशन की। मैं आपको बता रहा हूं जैसे जैसे मुझे चीजें आप याद आती जाएंगी मैं आपको बताता चलूंगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूछ सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, तो स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014 को हुई। और स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन